हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्याज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे किचन के अंदर कई अनयूज्ड जार्स होते हैं जिनको कि हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपके साथ DIY शेयर कर रही हूँ इन्हीं अनयूज्ड जार्स के साथ। तो पहला जो DIY है फ्रेंड्स, वो मैं बना रही हूँ ये जैम्स की बॉटल से। ये मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई है जैम्स की बॉटल, तो इन्हीं से मैं पहला अपना DIY बनाऊंगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, किसी भी तरीके के आप टॉय ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे विदित के ये एनिमल्स लिए हैं प्लास्टिक के। आप चाहें तो कोई बर्ड्स का भी ले सकते हैं या फिर कोई भी रेप्टाइल, जो भी आपको पसंद हो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये वाले एनिमल्स लिए हैं, और इनमें क्या करना है, जो ऊपर हमारी इन बॉटल की कैप है वहाँ पर हमें इन जितने भी मैंने ये एनिमल्स लिए हैं इनको मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगी। तो ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसको DIY को बनाना, और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन की हेल्प से जितने भी एनिमल्स हैं उनको मैं इस बॉटल की कैप के ऊपर चिपका दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने एनिमल्स जो हैं वो चिपका दिए हैं कैप के ऊपर। और अब सेकंड हमें क्या करना है, हमें करना है अपने एनिमल्स और कैप पे कलर। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गोल्डन एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर स्प्रे पेंट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे जो कैप है और एनिमल हमने लगाया है उसी के ऊपर हमें ये गोल्डन कलर पूरा कंप्लीट करना है। और ये बनने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने जितने भी कैप हैं सब पे गोल्डन कलर यहाँ पे कर लिया है, और ये मैं सेकंड कोट कर रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि बहुत डार्क शेड है इसलिए। तो आप भी देख लीजिए, अगर आपको दो कोट की ज़रूरत हो तो आप दो कोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे अपने जो कलर हैं गोल्डन कलर वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी सी देर के लिए ड्राई होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कलर करके कंप्लीट कर चुकी हूँ, और बस अब हमें इस DIY में कुछ भी नहीं करना है और हमारा जो DIY है वो बिल्कुल रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने जार जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं, और इनमें मैंने रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में, और एकदम अलग सा इनका लुक आ रहा है। आप देख सकते हो, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, डेकोरेट करके अपने किचन में रख सकते हैं, या फिर आपको अपने सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल पे भी इसको अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट DIY। तो चलते हैं सेकंड DIY की तरफ। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने लिए हैं ये दो जार, और एक मेरे पास ये मेटल का जार था जिसका पॉलिश वगैरह उतर गई है, तो इसी में ही मैं अपना सेकेंड DIY करूँगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाइट एंड रेड कलर, क्योंकि मुझे चाहिए है लाइट पिंक शेड। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर के अंदर थोड़ा सा रेड कलर का यूज़ करके एक लाइट बेबी पिंक कलर का शेड तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो अपना जो कलर है वो भी अच्छे से रेडी कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा ये पिंकिश शेड है स्पार्कल का, तो इसको भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, इससे भी थोड़ा सा इसका जो कलर है वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कलर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कलर मुझे चाहिए था लाइट बेबी पिंक कलर। तो अब मैं इसको करूँगी अपने जार्स पे कलर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्पंज का, बहुत ही इजी होता है स्पंज से कलर करना और इसका एक अलग ही टेक्सचर आता है, तो मुझे यही ऐसा ही चाहिए था, तो मैं यहाँ पे स्पंज का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना पूरा जो जार है वो इसी तरीके से कलर कर लूँगी, और जो मेरा दूसरा जार है उस पर भी मैंने सेम ऐसे ही पैटर्न करा है स्पंज की हेल्प से, मैंने पूरे उस पर भी कलर कर दिया है। और अब इसे थोड़ी सी देर ड्राई होने दिया है मैंने, लेकिन इसमें अभी फिर से मुझे एक कोट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हल्का सा अंदर से ग्लास जो है वो नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर दूसरा सेकेंड कोट भी स्पंज की हेल्प से ही अप्लाई कर दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सेकेंड कोट भी जो है वो अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद जो मैंने एक दूसरा जार लिया था मेटल का, तो उसकी कैप पे मैं ये लाइट बेबी कलर ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा तीन का एक सेट तैयार करना है। तो मैं इसके कैप पे इस कलर को कर रही हूँ, और इस पर भी मैं डबल कोट ही अप्लाई करूँगी क्योंकि सिंगल कोट में ये कवर नहीं हो पाएगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे इसके कैप पे भी कलर अच्छे से कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो मेरा इसके नीचे का जार है उसको मुझे कलर करना है, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज कर दूं। तो यहाँ पे मैं ये डार्क पिंक कलर ले रही हूँ, जो कि मैं इसी कलर से अपना जार जो है वो कलर करूँगी। तो ये भी सेम मैं स्पंज की हेल्प से ही इस पर कलर करूँगी अप्लाई। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनके इसका तैयार होगा, जो मैंने पिंक और लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन रखा है। तो देखिए यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैं अपने इस जार पर पूरा कलर जो है वो कम्प्लीट कर चुकी हूँ। अब बारी आती है, इसको थोड़ी सी देर ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसमें जो भी हमें डेकोरेट करना है वो मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा जार जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ ये वाइट कलर के पर्ल्स। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये इसके साथ। तो आपके पास अगर पर्ल्स नहीं है तो आप 3D आउटलाइनर के हेल्प से भी इस तरीके से पर्ल का बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बन के ये तैयार होगा फ्रेंड्स, और मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था ये जब मैं इस पे पर्ल्स लगा रही थी, एकदम जार का जो लुक है वो चेंज हो गया था। तो आपके पास अगर पर्ल्स नहीं है तो आपके पास कोई भी लेस है या फिर वाइट कलर के पर्ल्स हैं या आपके पास जो भी डेकोरेटिव आइटम है आप उसको लगा के भी इन जार्स को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो इसके ऊपर का कैप था इस पे मैं 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे से पर्ल्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे। तो आपके पास अगर पर्ल्स नहीं है तो आप 3D आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो सेकेंड DIY है वो भी कंप्लीट हो गया है और जो जार हैं वो एकदम से कलर होके चेंज हो गए और बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये भी। तो आप चाहें तो इनको फेस्टिवल पे अपने सेंटर टेबल पे एज अ डेकोर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसमें कोई अपने स्नैक्स रख सकते हैं, या फिर आप कोई कैंडी वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे डाइनिंग टेबल पर रखिए या फिर अपनी सेंटर टेबल पर रखिए किसी भी ओकेजन पर। मुझे ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने इस तरीके से अरेंज करके रखा है एक अपनी ट्रे के अंदर। आप इसको अपने सेंटर टेबल पे भी इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं और इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है, या फिर आप अपने बेडरूम में अपने बेड के कॉर्नर पर इनको रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप इसको एज अ वास भी यूज़ कर सकते हैं फ्लावर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखने में, और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे बहुत ही पसंद आया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से आप भी अपने पुराने जो जार हैं, अनयूज जार हैं, उनको कलर या डेकोरेट करके रीयूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि मैं इसे अपनी ज्वेलरी के लिए यूज़ करूँगी। आप किसी भी चीज़ के लिए इस तरीके से पूरा कलर करके अच्छे से उसको DIY करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।